प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहाँ महादेव ने सती के प्रेम की प्रतीक्षा की थी, वो काशी जहाँ पर 108 जन्मों की साधना के बाद सती को पार्वती के रूप में अवतरित होते देखा था, वो काशी जहाँ पर महादेव ने प्रेम सिखाया ही नहीं, प्रेम को जिया भी था। इसीलिए तो संपूर्ण महादेव का नाम भी यहाँ पार्वती के बिना अधूरा है। इसीलिए तो कहते हैं ओम पार्वती पतिये हर हर महादेव। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी प्रियंका है अभी बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर, और आज मैं आई हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आपको भी मैं ले चलूँगी काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए। काशी जो है वो प्राचीन, वर्ल्ड के प्राचीन शहरों में एक आता है, और ये जो है काशी, इसको वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। काशी इसका प्राचीन नाम है, और कहा जाता है कि महादेव ने इस नगरी को खुद बसाया है, और गंगा जी के किनारे बसा हुआ ये शहर सिर्फ काशी विश्वनाथ के लिए फेमस नहीं है, यहाँ फेमस है यहाँ के घाटों के लिए, यहाँ की आरती के लिए और यहाँ के खाने के लिए। तो हम आज इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाले हैं, और आपको मैं दूंगी सारी जानकारी, इसलिए एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आपको मैं दिखाऊंगी ये पूरा बनारस जो महादेव ने अपने हाथों से बसाया है, और इसलिए तो बोलते हैं महादेव की नगरी है ये काशी। मंदिर के गेट नंबर 1 पे मैं अभी हूँ, और यहीं से कॉरिडोर की एंट्री होती है, और यहाँ अंदर तक थोड़ा कैमरा अलाउ होता है जहाँ से आप वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्पर्श दर्शन, आरती से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि सुगम दर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप वाराणसी पहली बार आ रहे हैं, या वाराणसी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आप एक बार मेरी नज़र से वाराणसी देखिए तो आपको इश्क हो जाएगा। और मैं इस तरह से आपको वाराणसी दिखाने वाली हूँ कि आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। और गंगा जी के किनारे मैं बैठी हुई हूँ, और अंदर अभी चलूँगी, आपको कॉरिडोर भी दिखाऊँगी जो नया नया बना है। लाइटिंग में रात को काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर से दर्शन। तो दोस्तों, मैं अभी काशी विश्वनाथ के अंदर कॉरिडोर में ही हूँ, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे SBI और कैनरा बैंक भी अंदर है, और क्या चाहिए आपको, बैंक की सुविधा भी आपको अंदर ही मिल रही है। और यहाँ पे आदि शंकराचार्य का ये स्टैचू, आपको पता है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सारे आदि शंकराचार्य द्वारा ही बनाए गए। रात को तो बहुत खूबसूरत दिखता है, पर मैं आज आपको दिन में ही दिखाती हूँ कॉरिडोर के अंदर क्या क्या आप देख सकते हो। कि नया नया बना है इसलिए इतना अच्छा नीट एंड क्लीन रखा गया। अंदर खाने पीने की सुविधा भी है, रहने की भी सुविधा आपको मिल जाएगी, और सामने गंगा जी दिख रही है। तो और पर यहाँ के रास्ते जो है ना, गली गली से होके जाते हैं, एक भूल भुलैया जैसे रास्ते हैं, लेकिन मज़ा भी काफ़ी आता है। कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, और साथ में मेरे यहाँ पे दिख रहा है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा घाट है जिसमें 365 दिन चिताएं जलती रहती हैं और कभी बुझती नहीं है, और पूरे दिन में 300 से ज़्यादा चिताएं यहाँ पे जलाई जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दाह संस्कार के लिए। कहा जाता है कि काशी में दाह संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे आप नज़ारे देखिए कितने बेहतरीन, सच मानो तो यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। इतना खूबसूरत सा व्यू, गंगा जी, सामने सनराइज, और बात ही कुछ और है बनारस की। चलिए और भी आपको अंदर ले चलते हैं कॉरिडोर में, और भी बहुत कुछ देखने के लिए, वो भी दिखाती हूँ। जब भी आप काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए आए और आपको करना हो स्पर्श दर्शन, तो उसके लिए आपको रात के 3 बजे लाइन में लग जाना पड़ेगा, और 4 से 5 का जो टाइम होता है वो स्पर्श दर्शन का होता है।
जो कि आज मैंने किया, और उससे पहले होती है मंगल आरती। यहाँ पे चार टाइम आरती होती है जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल होती है, वो आपको एक दिन पहले ही करना पड़ता है, तो आप वो बुकिंग करके आरती में जा सकते हैं। तो मंगल आरती का टाइमिंग होता है 3 से 4 का, और उसके बाद स्पर्श दर्शन चालू हो जाता है जो कि 4 से 5 बजे तक रहता है। उसके बाद आप नॉर्मली दर्शन कर सकते हैं। मॉर्निंग में जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपके बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं और कॉरिडोर। तो ये है कॉरिडोर और बिल्कुल सामने है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं, देशों से विदेशों से भी लोग आते हैं। काफ़ी विदेशी लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ ये कॉरिडोर के अंदर ही आपको फूड कोर्ट भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको खाने की अच्छी सुविधा मिल जाती है फूड कोर्ट, और उसके साथ साथ यहाँ टॉयलेट की भी फैसिलिटी है। और ये जो है भारत माता का स्टैचू, ये आपको कॉरिडोर के अंदर ही देखने को मिलेगा। फूड कोर्ट में भी आप स्नैक्स से लेके नाश्ता, लंच टाइम में लंच और डिनर टाइम में डिनर मिल जाता है। लेकिन ये जो है आपका गेट नंबर 1, ये 7 बजे शाम के बाद क्लोज हो जाता है, यहाँ की लाइटिंग बंद हो जाती है। अब मैंने आपको पूरा कॉरिडोर घुमा दिया, काशी विश्वनाथ के फ्रंट से दर्शन भी करा दिए। अब उसके बाद मैं ये गेट नंबर 1 से एग्जिट कर रही हूँ बाहर, और उसके बाद हम चलेंगे काल भैरव के दर्शन करने। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद अगर आपने काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी ये यात्रा अधूरी रह जाती है। तो उसके बाद हम चलेंगे अभी काल भैरव के दर्शन करने के लिए, और वहाँ से भी मैं आपको बाहर का पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आप काल भैरव के दर्शन करने। काशी विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि इन्हें बनारस का कोतवाल भी बोला जाता है, और इनके आशीर्वाद के बिना आपकी बनारस यात्रा अधूरी होगी। काशी यानी कि बनारस, या फिर आप बोल लो वाराणसी, जो कि अपने घाटों के लिए फेमस है, और यहाँ जो है 80 से ज्यादा घाट यहाँ पर है, और लोग यहाँ पे नाव से घाटों में विजिट करने के लिए आते हैं। तो अभी मैं जहाँ आई हूँ ये है 80 घाट, जो कि बनारस के फेमस घाटों में एक है, और यहाँ पे रात तक लेट नाइट भी यहाँ पे आपको चहल पहल नज़र आएगी। आप रात को यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पास खाने के भी अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ एक पास में ही एक रेस्टोरेंट की है पिज़्ज़ेरिया, और यहाँ का पिज़्ज़ा काफ़ी फेमस है, पिज़्ज़ा एंड पास्ता। तो आपको मैं पहले दिखाती हूँ व्यू 80 घाट का। तो आपको मैं बोट से 80 घाट से दूसरे घाटों तक का व्यू दिखाऊंगी, लेके चलूंगी बोट से, क्योंकि बनारस आया और बोट पे सैर न की तो क्या किया। इसलिए ये इतना फेमस है क्योंकि रात तक भी लेट नाइट यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती, 12-1-2 बजे रात तक भी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, नाव वगैरह की सवारी लेते हैं, और देखते हैं कौन क्या क्या वो विजिट करवाते हैं हमें, कौन कौन से घाट दिखाते हैं। यहाँ एक मैप दिख रहा है जिसमें बहुत सारे घाट के नाम दिए हुए हैं। ये सारे घाट आप देख सकते हो बोटिंग के थ्रू। बोटिंग के चार्जेस 200 पर पर्सन शेयरिंग में लेते हैं, और ये सारे घाट हैं। और यहाँ 80 घाट में भी आप आरती का आनंद ले सकते हो, यहाँ भी सुबह शाम आरती होती है। ये 80 घाट से मैंने जो लिया है बोट, पहले ज़माने में ऐसी ही चप्पू चलाया करते थे, तो मेरा मन था कि मैं उसी से शेयर करूँ, और ये अभी थोड़ा बहुत हम व्यू एंजॉय करेंगे। काशी जो है गंगा आरती, गंगा जी के लिए काफ़ी फेमस है, तो आप जब आए तो ये आरती मिस ना करें। राइट साइड हैंड की तरफ आप देखो तो यहाँ तुलसी घाट है, जहाँ पे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। ये वही काशी है, वही बनारस है, यहीं पे लिखा गया था रामचरितमानस। तो ये तुलसी घाट।
जाएगा। घाट पे जा रहे हैं शाम को ये नजारा, और अब देखते चलो शॉप, हम लोग कुछ शॉपिंग भी करने वाले हैं क्या? तो हम लोग शॉपिंग भी करने वाले हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो इतना खूबसूरत सा है, ये बिल्कुल दशाश्वमेध घाट के बाजू में है, और मुझे यहाँ काफी अच्छा लग रहा है। और पास में यहाँ एक रेस्टोरेंट भी दिख रहा है जो कि उदुपी मुंबई के नाम से है। बनारस में मुंबई का फ्लेवर मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। तो देखिए ये हमारे महादेव जी, और हम अभी चलेंगे और देखेंगे शाम की आरती। और बनारस आके अगर आपने आरती नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। तो चलिए एक बार बोलते हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ दशाश्वमेध घाट, और यहाँ आरती से 2 घंटे पहले ही देखो माहौल क्या है। भीड़ देखो आप, नाव में भी बुकिंग हो रही है, ये ऊपर चेयर्स में भी बुकिंग हो रही है, और वो आरती वहाँ सामने होगी। और बनारस आके आरती देखना तो मस्त है। आरती शुरू होगी 6:30 के आसपास, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जब हम ऐसे दूर दूर जगह से आते हैं और वहाँ पे कोई बोलता है ना कि आपको नहीं देखा है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये आंटी जी आई है, कहाँ से? जयपुर से आई है। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसा सुन करके। अभी देखो हम लोग गंगा आरती के लिए आए हैं, और मतलब खुश नसीब है कि हमें ऐसी सीट मिली है, इतनी आगे से देख रही थी। लकी है हम लोग कि आज आरती बहुत अच्छे से देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अभी हूँ मैं गडोलिया चौराहा पे, जो नंदी चौक है, और यहीं से आरती के लिए लोग जाते हैं। पीछे आप देख रहे हो यहाँ हजारों की संख्या में सिल्क और बनारसी साड़ी मिलती है, और यहीं पर सिल्क और बनारसी साड़ी सब जगह सप्लाई होती है। और ये मेन चौक है, मेन चौराहा, खाने की सुविधा से लेके शॉपिंग की सुविधा तक सब कुछ अवेलेबल है। तो अच्छा होगा कि आप होटल का ऑप्शन यहीं पे ले, तो आपको बिल्कुल पास होगा मंदिर भी और बिल्कुल पास होगा घाट भी, आप आरती का भी आनंद ले सकते हैं। और अभी जस्ट आरती खत्म हुई है, इस वजह से इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो मैंने भी आरती का आनंद लिया है, आप देखो नजारा एक बार यहाँ पे रात का। काशी विश्वनाथ के फेमस घाटों में एक घाट जो है नमो घाट, ये नया नया बना है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल हुए होंगे बने हुए, और मोदी जी खुद आए थे इसके उद्घाटन में। और आप देख सकते हो कि बाकी घाट आपको सेम ही दिखेंगे, लेकिन ये घाट जो है ये काफी डिफरेंट है, व्यू नज़ारे। ये जो है काशी विश्वनाथ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, थोड़ा टाइम लगता है, रिक्शा वगैरह आप करोगे तो आप उसे बार्गेनिंग करके 200-250 में वो मान जाते हैं, यहाँ तक आपको ड्रॉप कर देंगे। और अभी नमो घाट में पूरा विजिट करूंगी और देखती हूँ कि कितना अच्छा नज़ारा, मतलब मजा ही आ गया यहाँ आकर। घाट में मेरे पीछे देख रहे हो ये राजघाट का ब्रिज है, जहाँ रेलवे ट्रैक है नीचे और ऊपर सड़क है, और यहाँ से ट्रेन जा भी रही है। आप देख सकते हो नज़ारा कितना बेहतरीन है, और रात को ये लाइटिंग की वजह से बहुत खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है। तो आप रात को खासकर यहाँ की लाइटिंग की वजह से नमो घाट काफी फेमस है, इसीलिए मैं रात के टाइम आई हूँ। तो
बनारस के फेमस मंदिरों में एक है दुर्गा कुंड, जहाँ मैं अभी आई हूँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए। इस मंदिर की खास बात है कि ये पूरा ही रेड कलर से बना हुआ है और ये इसको दुर्गा कुंड बोलते हैं और इसमें दुर्गा जी की 9 रूप की पूजा होती है, मूर्ति है। तो आप जब भी बनारस आए, काशी विश्वनाथ के अलावा आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, बहुत फेमस टेम्पल है। वैसे तो इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, लेकिन आज शनिवार होने की वजह से ये मंदिर ज़्यादा देर खुला है। अब यहाँ दर्शन करने के बाद मैं जा रही हूँ संकट मोचन मंदिर, क्योंकि आज शनिवार है, लक अच्छा है हमारा, तो आज 12 बजे रात तक संकट मोचन के दर्शन होंगे। तो चलिए आपको करवाते हैं हम संकट मोचन के दर्शन। तो दुर्गा कुंड के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ संकट मोचन मंदिर और यही तक कैमरा अलाउ था, इसलिए मैं सिर्फ बाहर का ही आपको शूट दिखा सकती हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि आज शनिवार का दिन था, इसलिए आप रात के 12 बजे भी देख रहे हो कि ऐसा रश दिख रहा है और इतने अच्छे दर्शन हुए। किस्मत आज काफ़ी अच्छी थी कि हर मंदिर में खुले मिल रहे हैं और रात को लेट नाइट भी दर्शन हो रहे हैं। तो ये बाहर से आप व्यू देख सकते हो। तो यही है संकट मोचन मंदिर, अंदर हनुमान जी का मंदिर है और उसके साथ साथ प्रभु श्री राम का भी है। बनारस में मंदिरों के अलावा इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में एक BHU जो कि यही बनारस में है और इसके अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो बनारस में 2 काशी विश्वनाथ है, एक जो पहले दर्शन करा दिया और एक BHU के अंदर काशी विश्वनाथ है, तो आप ये भी दर्शन कर सकते हो। आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा बनारस शहर की सैर करवा दी, हर कुछ दिखाया, छोटी से छोटी चीज़ें बड़ी से बड़ी चीज़ें दिखाने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने तो 2 दिन में पूरा बनारस बहुत अच्छे से इंजॉय किया है। तो 2 दिन में मैंने बनारस कैसे घूमा ये आपको दिखा दिया और बनारस से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दे दी है। तो आप भी बनारस आ सकते हो और कम टाइम में भी अच्छे से घूम सकते हो। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये बनारस का ब्लॉग कैसा लगा।